हेलो फ्रेंड्स, एज इज क्रिएशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताते हैं इंग्लिश के टेक्स फॉर एनडीए रीअरेंजिंग पीक्यूआरएस में। ओके, चलिए आइए चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जैसे कि इसमें इंग्लिश दिया हुआ है, पूरा स्टेटमेंट रीज केयरफुली एंड व्हाट द स्पीकर हैज सेड एंड द ऑर्डर अंडरस्टैंड विल बी द मेड जस्ट वंस एंड पीक्यूआरएस दिया उसमें। तो हमारी टेक नंबर वन है, जैसे कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन को देखना है पहले, ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन हमें देखना है सबसे पहले क्या दे रखा है, एस दे रखा है इसमें स्टार्टिंग वर्ड, इसमें भी एस दे रखा है, इसमें आर दे रखा है, इसमें तो हमें एस एस वाला को लिया क्योंकि इनके मोस्ट चांसेस आने के, क्या ये इनमें से करेक्ट हो सकता है कोई भी, तो मोस्ट चांसेस, तो हमें एस एस वाले को लिया। तो इनमें भी मोस्ट अप्रोप्रिएट करने के लिए हमें सिक्वेंस आया, इसको पुट करके देखना है, ए में करके देखना है, बी में करके देखना है, डी में करके देखना है, बिकॉज सी तो हमने काट कर दिया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से ऐसे कर लिया है। तो इनमें से आप पुट करके देख के जो भी आपको थोड़े से नॉलेज बेस ऑफ इंग्लिश के आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो इसका बेस के हिसाब से जैसे कि हमने देखा है इसमें से एक करेक्ट है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एग्जांपल में, इसमें स्मॉल बॉय हु रोक हैज लैग एंड फेल डाउन एंड द क्लेम द बॉल एंड एस ओके। तो हम इसमें ए बी सी डी देखते हैं, तो इसमें पी स्टार्टिंग में देखते हैं हम, इसमें पहले सब पी दे रखा है, इसमें एस दे रखा है, इसमें क्यू दे रखा है, इसमें एस दे रखा है, पी डिफरेंट है, क्यू डिफरेंट है, एस एस ओके। तो हम इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आने के चांसेस किसके ज़्यादा हो गए, बी और डी के, एस एस बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप इस ट्रिक को जब आजमा सकते हो, आप लास्ट टाइम के प्रिपरेशन की ना हो पाई हो, आप एन डी कट ऑफ निकालना चाहते हो, या आप आपकी प्रिपरेशन हो, आप मतलब चाह रहे हो कि कट ऑफ लाए क्या कुछ अच्छे मार्क्स आ जाए, तो मतलब आप इनकी हेल्प ले सकते हो, टेक्स की थोड़ा स्पीड में हो सकता है, जैसे ऑप्शन से इन्हें ऑप्शन से ले सकते हो। ओके, तो इसमें हो गया एस एस, इन दोनों को ले लिया हमने, इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं, तो एस एस, फिर इसमें एस के बाद क्यू आ रहा है, पी आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, इसमें क्यू आ रहा है, तो चेंजेस है। तो एस के बाद क्यू पुट करके देखो इसमें, तो इसमें पी करके देखो, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कि मैं इसमें एक थोड़ा करके देखो, एस